इंस्पेक्टर जोगलेकर, you're terrific, just terrific. जो आपने धार से दरवाजे पे लात मारी थी और अंदर आए थे, ओहो हो, क्या एंट्री थी, बिल्कुल लावारिस के अमित जी याद आ गए. अमित जी? अरे अमिताभ बच्चन, वो वॉक, वो टॉक, वो स्टाइल, वो पंच, उफ, अब मैं क्या बताऊं, मुझे तारीफ के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे, मैं आपका दीवाना बन गया बस. अगर मैं अपनी किसी फिल्म में ऐसी एंट्री मारूं तो बाय गॉड मैं पूरे इंडिया को हिला दूंगा. शोले, खलनायक, आंखें, इन तीनों फिल्मों का बिजनेस एक तरफ और मेरी उस एक फिल्म का बिजनेस एक तरफ. बस गुरु मुझे अपना स्टाइल सिखा दे. अरे डीसीपी साहब, आई एम सो सॉरी, वो क्या है कि मैं करण से बातें कर रहा था, आपको देखा नहीं. हाउ यू सर? बस मेहरबानी है सर, मैंने आपको प्रीमियर के पासेस भेजे थे, फिल्म कैसी लगी? अरे बहुत अच्छी लगी, मेरे बच्चे तो सीट पे उछल उछल के तालियां बजा रहे थे. हाँ तो करण जी, मुझे अपने साथ रखकर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी. आप शायद किसी बड़े मर्डर केस में उलझे होंगे, किसी खतरनाक मुजरिम से मुकाबला करेंगे, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. आई रिसीव कंप्लीट ट्रेनिंग, कंग फू, जूडो, कराटे, आई एम इन गुड शेप. आपकी तारीफ. ओ, ये काले चश्मे, ये नकली मूछ, इसलिए शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए. वो क्या है कि हम एक्टर लोग ज्यादा पब्लिक के सामने बिना गेटअप के घूम नहीं सकते ना. नकली है. हाँ संभाल के रखना. वाओ, एक और स्टाइल. मैंने ऐसा नहीं कहा था. तुम्हारा मतलब तो यही था? देखो वैसे तुम बहुत थक गया हूं और मुझे झगड़ा नहीं करना है. तो क्या मैं झगड़ा करना चाह रही हूँ? सोनू सो रहा है. मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि मेरे गाने की कैसेट अमर कौशिक को दे दो, लेकिन ये बहुत मुश्किल बात थी, है ना? देखो सबसे पहले तो वो कैसे तुमने मुझे नहीं सुनाया, पता नहीं तुमने इसमें क्या रिकॉर्ड किया, कैसे रिकॉर्ड किया है, वो सुनने लायक है भी या नहीं. इतनी मुश्किल से तो वो मुझे सुनने के लिए तैयार हुआ है, अब तुम्हारा कैसे उन्हें थमा के मैं अपना मौका भी गवा बैठूं. कल तक तो तुम्हें मेरी आवाज बहुत पसंद थी और आज वो किसी को सुनाने लायक भी नहीं है. देखो मेरा मतलब वो नहीं था, गाना गाने के लिए रोज रियाज करना पड़ता है. रियाज एक और बहाना. आज मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गई रोहित, तुम हमेशा अपने लिए सोचते हो, अपने लिए कोशिश करते हो और मेरे लिए, मेरे लिए सिर्फ बहाने. देखो चिल्लाओ मत प्लीज. तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि मुझे गाने की तमीज नहीं है? तुम मुझे यही कहना चाहते हो ना? बोलो, अब ये भी कह दो कि मुझे सिंगर बनने के सपने छोड़ देने चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होगा रोहित, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और तुम मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकते, समझे? तुम यहाँ क्या कर रही? कब से ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें. मुझे फरीदा से कुछ काम था. क्या काम था? सोनू वहां मुझे परेशान कर रहा है, उसे कौन संभालेगा? मुझे रिहर्सल पे जाना है, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरा नाश्ता कौन बनाएगा? मैं आ रही हूँ. और मेरी गाने की फाइल कहाँ है? सुबह से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही. इसे मैं रियाज के लिए नीचे ले आई थी. तुम एक काम करो, तुम यहाँ दिन भर बैठ के रियाज करना. मैंने कहा नहीं, तुम यहाँ दिन भर बैठ के रियाज करना, मैं खाना होटल में खा लूंगा और घर का काम भी मैं कर लूंगा. मैंने कब ना कहा रोहित? ओहो तूफान मेल, कहाँ की तैयारी है? राजू मुझे तुम्हारे मम्मी डैडी से मिलना है, ले चलो ना अभी अपने गांव. अभी? हाँ. ना बबना, बहुत काम है मुझे. राजू राजू प्लीज, हम लोग फटाफट जाएंगे, फटाफट आएंगे. ओ टाइम नहीं मेरे पास, बहुत काम है मुझे, नारियल बाजार पहुँचना है, खेत जाना है मुझे, तुम्हें जाना है तुम जाओ. ये कल्लू. हाँ भैया. क्या कर रहा है? भैंस को ठीक से पानी पिला, इसको जल्दी से रख के आ जा. अच्छा भैया. राजू. हाँ जी जी. देखो तुम सब काम छोड़ दो और फौरन हमारी बहन को अपनी माँ बाप से मिलवाने ले जाओ. जी जी जी. जल्दी जल्दी. हाँ हाँ हाँ, जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूँगा. ज्योति ज्योति. क्या है? चल तुझे माँ बाप से मिलने गांव जाना था ना, चल. नहीं नहीं, हम लोग फिर कभी चलेंगे, तुम्हें खेत जाना है, नारियल बाजार पहुँचाना है, बहुत काम है ना तुम्हें. अरे काम तो जिंदगी भर होते रहेगा, चल जीजा जी ने बोला है अब तो चलना ही पड़ेगा. जीजा जी के बच्चे. अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, चल. अरे राजू कहाँ जा रहे तुम लोग? भैया राजू को बहुत दिनों से अपने माँ बाप की याद आ रही थी. राजू? तो इसने कहा चल, तो मैंने कहा भी चल. है ना? जीजा जी क्या आप अभी अभी आए? हाँ क्यों?
देखो ना जी जी, ये आपकी आवाज बनाकर मुझे बुद्धू बना रही है। ये चाहती है कि मैं इसे गांव लेके जाऊं। अब कैसे लेके जा गांव? अब कितना काम पड़ा यहाँ पर। भैया भैया देखो ना, मैं राजू के माँ बाप के लिए शहर से कुछ प्रेजेंट्स लाई हूँ। कितने दिनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। भैया प्लीज कहो ना इसे चले। ठीक है राजू, जाओ मगर जल्दी आना। आप कहो तो जाता ही नहीं। जाओ चलो। थैंक यू भैया। ओके चल। ज्योति तुम मेरे माँ बाप के लिए तोहफा लाई, और मेरे लिए? तुम्हें तो ऐसा तोहफा दूंगी कि जिंदगी भर झूमते रहोगे। समझ गया समझ गया। तुम मेरे बैलों के लिए बड़े बड़े मोतियों वाला हार लाई हो ना। बुद्धू, पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। क्यों क्यों क्यों? ओफो, कुछ समझता ही नहीं है। हाँ हाँ, तुम में बहुत समझ है। नदी पार करके 10 मिनट में पहुँच जाते, छोटा रास्ता छोड़कर लंबे रास्ते पे ले आई। लंबे रास्तों में लंबी बातें हो सकती है। प्यारी प्यारी, मीठी मीठी, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। साइकिल क्यों रोक दी राजू? बस अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तुम आगे आके बैठो। क्यों, पीछे कुछ हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ हवा निकल रही धीरे धीरे। आओ बैठो। अच्छा ठीक है चल। अब क्या हुआ राजू? तुम उतरो। बताओ ना। हुआ ये कि गांव आ गया है, पैदल चलते हैं। पैदल? हाँ पैदल। आगे बढ़ने में कितना मजा आ रहा था। वो मजा तुमको आ रहा था, मुझे नहीं आ रहा था। मेरी हवा टाइट हो रही थी, अब चलो। राजू राजू, कोल्ड ड्रिंक चलो पीते हैं। अरे रुक ज्योति, ये कोल्ड ड्रिंक पे पैसा क्यों बर्बाद करती है? घर जाके छाछ पिलाता हूँ ना। तुम तो एकदम कंजूस हो, मक्खी चूस। अरे मैं कंजूस मक्खी चूस नहीं हूँ, मैं दूर की सोचने वाला हूँ, STD समझी। जब कोई जमींदार आएगा तेरा हाथ मांगने के लिए तो वो 2 करोड़ मांगेगा, जब कोई डॉक्टर आएगा वो 1.5 मांगेगा, और अगर तू कोल्ड ड्रिंक पर ऐसा पैसा बर्बाद करेगी तो हम उसे क्या देंगे? ठेंगा? आई एम इंटेलिजेंट। सीमा सीमा, तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। तुम तो जानते हो ना कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है कि मैं तुम्हारे डैडी के सामने आकर उनसे बात कर सकूं। मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम डैडी से बात नहीं कर सकते तो मैं कर लेती हूँ। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताकर उन्हें राजी कर लूंगी। लेकिन सीमा, अजय हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा है, अगले हफ्ते तो डैडी ने मेरी मंगनी तय कर दी है। ठीक है सीमा, तुम मुझसे कल मिलो, मैं कोई रास्ता सोचता हूं। ओके। सीमा, तुम वही शादी कर लो जहां तुम्हारे डैडी चाहते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने बहुत सोचा, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अजय मुझे रास्ता नहीं, मंजिल चाहिए, और मेरी मंजिल तुम हो। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। तो फिर हमारे सामने एक ही सूरत बची जो हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर सकती। क्या? खुदकुशी। खुदकुशी? तुम्हें मंजूर है? अगर हमारे प्यार का अंजाम मौत ही है तो मैं खुशी से मरने के लिए तैयार हूं। मैं अजय शर्मा अपने होशो हवास में लिख रहा हूं। मैं सीमा चोपड़ा अपने होश आवाज में लिख रही हूँ कि मैं किसी दबाव में ना आते हुए और अपनी जिंदगी से तंग आकर कि मैं किसी के दबाव में ना आते हुए और अपनी जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर रहा हूँ। खुदकुशी कर रही हूँ। इसमें किसी का दोष नहीं है। इसमें किसी का दोष नहीं है। लो इस पर साइन करो। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? इसलिए कि तुम पास हो गए, 100% मार्क्स। 100% मार्क्स? हाँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, तुम्हारे प्यार तुम्हारे विश्वास का इम्तिहान। ये सुसाइड नोट?
खुदकुशी तो बुजदिल करते हैं, और अजय इतना कमजोर नहीं कि इतनी आसानी से जिंदगी की जंग हार जाए। हम कल ही चलकर कोर्ट में शादी करेंगे, तुम ठीक 1 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाना, मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब तो तुम खुश हो? क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम वीनस। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.